मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हाल ही में आज तक की पॉपुलर एंकर चित्रा त्रिपाठी के पति अतुल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया था कि कुछ बदमाशों ने उन पर हमला किया था और उनकी गाड़ी रुकवाई थी और उनसे लूटपाट भी की थी। हालांकि अब इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ गई है। दरअसल अतुल अग्रवाल ने इस मामले में पुलिस शिकायत करने से भी मना किया था, लेकिन जब पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठने लगे तो खुद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी और मामले में ये सामने आया कि उस रात अतुल अग्रवाल के साथ कोई लूटपाट नहीं हुई थी, बल्कि अतुल अग्रवाल ने ये मनगढ़ंत कहानी बनाई थी और उन्हें जब पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तो भी उन्होंने आने से मना कर दिया। जब घटनास्थल पर बुलाया गया तो भी उन्होंने आने से मना कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि अतुल अग्रवाल की पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है, जिसमें ये सामने आया है कि अतुल अग्रवाल उस रात एक महिला मित्र के घर गए थे और खाना खाने गए थे और इसके बाद वो महिला मित्र के साथ कहीं और भी घूमने गए थे, जिसके उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट भी की थी और अब उनके बैंक अकाउंट की पूरी पेमेंट भी निकलवा ली गई है। तो इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ खुलासा किया है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। 20 जून को एक समाचार चैनल के प्रधान संपादक ने फेसबुक पोस्ट करके अपने साथ लूट की घटना के बारे में जानकारी दी। इस मामले में इतना तूल पकड़ा कि नोएडा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना शुरू हो गए। हालांकि नोएडा पुलिस ने मामले की जांच करते हुए पत्रकार के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि उनके साथ कोई लूटपाट नहीं हुई थी और बल्कि उन्होंने ये पूरी कहानी झूठ गढ़ी थी। उन्होंने अपने निजी पारिवारिक कारणों की वजह से इस झूठी कहानी को सोशल मीडिया पर डाला, इससे लोगों में डर पैदा हुआ। वहीं पत्रकार के खिलाफ जल्द पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस द्वारा शेयर की गई जानकारी के अनुसार 20 जून को पत्रकार द्वारा बताया गया था कि नोएडा एक्सटेंशन में कुछ बदमाशों ने उन्हें रात में घेर लिया। पत्रकार ने जो कहानी फेसबुक पर लिखी थी वो काफी भयावह थी। इसके बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस जांच में जुटी। हालांकि पत्रकार ने अपने साथ हुई घटना का जिक्र फेसबुक पर तो किया, लेकिन उस घटना के खिलाफ तहरीर देने को राजी नहीं थे। उसके बाद पुलिस ने खुद ही मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस विभाग द्वारा बताया कि सोशल मीडिया पर पत्रकार द्वारा प्रसारित घटना पर तुरंत प्रभारी निरीक्षक और सभी उच्च अधिकारीगण में फोर्स तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं पत्रकार को फोन कर मौके पर आने के लिए भी कहा, लेकिन उनके द्वारा आने से मना कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने अगले दिन पत्रकार को थाने आकर तहरीर देने की बात कही, लेकिन उन्होंने ऐसा भी करने से मना कर दिया। हालांकि इस मामले में चौकी प्रभारी राइस सिटी करतार सिंह ने अभियोग पंजीकृत कराया और वरिष्ठ उप निरीक्षक ऋषि पाल सिंह कसाना ने जाँच की। मामले की जांच की गई तो पत्रकार द्वारा दिए गए बयान और सर्विलांस रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज से मिली जानकारी आपस में मेल खाती नहीं दिखी। पुलिस के मुताबिक पत्रकार द्वारा यह भी बताया गया कि सेक्टर 45 पर वो अपनी किसी महिला मित्र के घर खाना खाने गए थे। पुलिस ने एक महिला मित्र से जानकारी प्राप्त की तो पता चला 19 जून को शाम 7 बजे पत्रकार महिला मित्र के घर खाने पर गए थे। इसी बीच उनकी पत्नी का कॉल आया और वो तुरंत उनके घर से निकल गए। वहीं रात को 1:20 पर फिर महिला मित्र को कॉल कर पत्रकार द्वारा सड़कों पर अकेले घूमने की बात कही गई और ओयो रूम्स की तलाश करने का भी जिक्र किया। हालांकि उन्होंने इस दौरान किसी लूट की घटना का जिक्र नहीं किया था। पुलिस के मुताबिक पत्रकार ने ओयो रूम्स में भी अपने बैंक खाते से पेमेंट की, जिसकी बैंक स्टेटमेंट निकलवा ली गई है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए ये प्रमाणित होता है कि पत्रकार के साथ कोई लूट की घटना नहीं हुई है। वहीं पत्रकार द्वारा अपने निजी पारिवारिक कारणों की वजह से इस झूठी घटना को सोशल मीडिया पर डाला गया, जिसके कारण लोगों में डर और भय पैदा हुआ, जिसके कारण इनके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब अतुल अग्रवाल यानी चित्रा त्रिपाठी के पति सुर्खियों में आए हैं। इससे पहले खुद चित्रा त्रिपाठी ने उन पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे और इसके बाद उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया था। हालांकि ये बात और है कि चित्रा त्रिपाठी ने बाद में अपनी शिकायत वापस ले ली थी और वो बेल पर बाहर आ गए थे। आपको बता दें कि चित्रा त्रिपाठी के पति अतुल अग्रवाल हिंदी खबर के एडिटर इन चीफ हैं, जो कि नोएडा स्थित एक न्यूज़ चैनल है
अतुल अग्रवाल के खिलाफ पहले भी इस तरह की कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं कि उन्हें कई बार लड़कियों के साथ पकड़ा जा चुका है। तो ऐसे में इस बात से ये साफ हो जाता है कि अतुल अग्रवाल ने अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी महिला मित्र के लिए ये पूरी कहानी झूठ रची थी, और कैसे उन्होंने सोशल मीडिया पर सब कुछ ये बताया कि उनके साथ किस तरह से लूट हुई है। हालांकि ये कहानी पूरी की पूरी झूठ निकली, और यही वजह है कि अतुल अग्रवाल ने पुलिस में कंप्लेंट करने से मना कर दिया था। लेकिन जब पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठे तो पुलिस ने खुद इस मामले की जांच की, और उन्होंने मामले में कहानी कुछ और ही पाई कि अतुल अग्रवाल तो झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में अब अतुल अग्रवाल का पर्दाफाश हो गया है। हालांकि इस मामले में अभी तक उनकी पत्नी चित्रा त्रिपाठी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में अब देखना होगा कि चित्रा त्रिपाठी अपने पति अतुल अग्रवाल के इस पूरी करतूत पर क्या कहती हैं, और ऐसे में उनका किस तरह का रिएक्शन होगा। आपको बता दें कि चित्रा त्रिपाठी आज तक की पॉपुलर एंकर हैं। वो अपनी तेज तर्रार पत्रकारिता के लिए जानी जाती हैं। चित्रा त्रिपाठी को कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। चित्रा त्रिपाठी देश की जानी मानी फीमेल एंकर्स में से एक हैं, जिन्होंने इस करियर को काफी उतार चढ़ाव के बाद हासिल किया है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ को भी जरूर सब्सक्राइब करें।